ट्रेलर रिव्यू करेंगे अंग्रेजी मीडियम। ट्रेलर में एक से एक टैलेंटेड एक्टर्स इस फिल्म को एक यूनिक फिल्म बनाते हैं। फिल्म का नाम अंग्रेजी मीडियम है और जैसा कि इससे पहले हम इरफान खान की हिंदी मीडियम फिल्म देख चुके हैं तो ये फिल्म भी लगभग उसी पैटर्न पर बनी है, लेकिन इसके बावजूद कहानी एकदम डिफरेंट नजर आ रही है। इरफान खान के अलावा करीना कपूर, राधिका इस फिल्म के लीड रोल्स में होंगे, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल की फिल्मों में लीड एक्टर्स कहना ही गलत सा लगता है, जिसके दो कारण हैं। एक तो फिल्म मेकर्स अब कैरेक्टर आर्टिस्ट्स को उतना ही स्पेस देते हैं जितना फिल्म के मेन लीड को मिलता है। हाँ, स्क्रीन स्पेस कम भले ही हो कैरेक्टर आर्टिस्ट का, लेकिन उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ कि आजकल कुछ इतने बेहतरीन कैरेक्टर आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आ चुके हैं कि अपने टैलेंट की वजह से वो फिल्म पर एक लीड एक्टर के बराबर पकड़ बना के रखते हैं। फिल्म में दीपक डोबरियाल, रणवीर शौरी, पंकज त्रिपाठी और कीकू शारदा जैसे कुछ अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे एंड नो डाउट कि फिल्म में वो अपनी प्रेजेंस बनाए रखेंगे। ट्रेलर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कहानी है एक बाप और बेटे की। बाप जहां अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वहीं इस फिल्म में फन कॉमेडी इमोशन सीन्स का मिक्सअप एटलीस्ट ट्रेलर को तो बेहतरीन जरूर बना रहा है। नॉर्मली बॉलीवुड फिल्मों में बाप बेटी के रिश्तों पर ज्यादातर रिवेंज फिल्में बनी हैं और वो भी ज्यादा नहीं है। माँ बेटे के कंसेप्ट पर तो कई फिल्में बनी हैं, लेकिन बाप बेटी के बीच इस तरह के सब्जेक्ट को पहली बार दिखाने की कोशिश इस फिल्म में की गई है। सबसे बड़ी बात कि ये फिल्म हिंदी मीडियम फिल्म की तरह एक बार फिर से देश के एजुकेशन सिस्टम की ओर ध्यान केंद्रित करके बनाई गई है। मुझे फिलहाल नहीं पता कि इस फिल्म के थ्रू क्या मैसेज दिया जाने वाला है, लेकिन ये विषय बहुत ही सेंसिटिव है। जिस प्रकार से हिंदी मीडियम फिल्म में स्टेटस मेंटेन के लिए बच्चे को बड़े स्कूल में एडमिशन कराया गया था, उसी प्रकार से इस फिल्म में भी लंदन पढ़ाई किए जाने को लेकर ये सारी कहानी बुनी गई है। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि आज की सोसाइटी में आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, आपके पड़ोसी क्या कहेंगे, इसको लेकर माँ बाप अपनी औकात से बढ़कर स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। आज स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स मायने रखती हैं। आज ये देखा जाता है कि क्लासरूम में एसी है या नहीं, इन सब चीज़ों से एक स्कूल की योग्यता मापी जाती है। जबकि मैंने जितना दिल्ली में एनालाइज किया है, यहाँ के जितने बड़े स्कूल्स में पढ़े हुए बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने 20,000 मंथली फीस भरकर बच्चों को पढ़ाया है, उनमें ज़्यादातर बच्चे आगे चलकर अपना घरेलू बिजनेस ही संभालते हैं। बहुत कम प्रतिशत इन महंगे स्कूल्स के बच्चे आईएएस, पीसीएस या कुछ बड़े एग्जाम्स क्रैक कर पाते हैं। वहीं इन बड़े पदों पर ज़्यादातर वही बच्चे पहुंच पाते हैं जिनकी स्कूलिंग बहुत नॉर्मल स्कूल्स में हुई हो। तो इस डिफरेंस को भी नज़र में रखा जाना चाहिए कि शिक्षा ज़रूरी है, स्कूल की बिल्डिंग्स और एसी मायने नहीं रखते हैं। ट्रेलर पूरी तरह से इम्प्रेस करता है। कॉमेडी सीन्स है तो खुल के हंसाती है, इमोशनल सीन्स है तो आपको उदास भी करती है। दीपक डोबरियाल कमाल के एक्टर हैं और मुझे अभी भी लगता है कि वो एक अंडररेटेड एक्टर है। इनके अलावा पंकज त्रिपाठी एक धुरंधर एक्टर हैं जो इस फिल्म की शोभा बढ़ाने वाले हैं। हालांकि उन्हें ट्रेलर में ज़्यादा स्पेस नहीं मिला है, लेकिन फिल्म के कितने सीन्स में वो दिखेंगे ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। इनके अलावा कीकू शारदा भी फिल्म में कुछ फन क्रिएट करते दिखाई देने वाले हैं। ट्रेलर में रणवीर शौरी को देखकर लगता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में हो सकते हैं। इससे पहली फिल्म यानी हिंदी मीडियम भी लूजली बेस्ड थी एक बंगाली फिल्म रामधोनू पर, तो मे बी कि इस बार भी ये फिल्म किसी रीजनल फिल्म से इंस्पायर्ड हो। हालांकि इंस्पायर्ड होने के बाद भी फिल्म को प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा हो तो इंस्पायर्ड फिल्म पर भी उंगली उठाने का मन नहीं करता है। ट्रेलर में एक जिंदड़ी सॉन्ग सुनने को मिला है जो कि हिंदी मीडियम फिल्म में भी सुनने को मिला था। बॉलीवुड में सेंसिबल फिल्मों की कमी रही है। एजुकेशन पर जब करण जौहर फिल्म बनाते हैं तो वो होती है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 और 2, जिनमें एजुकेशन छोड़कर सब कुछ दिखाया जाता है। वहीं इरफान खान अपनी फिल्मों में उस सब्जेक्ट की गहराई तक उतर जाते हैं। अब यहाँ इस फिल्म का सब्जेक्ट डॉटर फादर के साथ एजुकेशन है तो फिल्म में इन दोनों चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। ट्रेलर रिलीज होने से एक दिन पहले यानी कि कल ही इरफान खान का एक और इमोशनल वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें वो इस फिल्म को अपने दिल के बहुत करीब बताते हैं और कैंसर जैसी बीमारी के बारे में भी वो बात करते दिखाई पड़े।
हालांकि ये भी एक प्रमोशन का तरीका है, बट इरफान खान जैसे एक्टर्स की इंडस्ट्री में बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। दिनेश विजान या इनके जैसे और जितने फिल्म मेकर्स आजकल फिल्में बना रहे हैं, इनकी सबसे खास बात है कि ये लोग फिल्म के हर एक्टर को बराबर का स्पेस देने की कोशिश करते हैं, और ये अच्छी बात है। दिनेश विजान की ही स्त्री फिल्म देखें तो भले ही वो फिल्म राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की हो, लेकिन उसमें अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स का दबदबा कम नहीं था। सेम वैसे ही यहाँ इस फिल्म में भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है जो शायद आगे चलकर स्टार्स और एक्टर्स के बीच के गैप को भरने का काम करे। एक और अच्छी चीज़ इस फिल्म में देखने को मिलेगी कि एक बाप का बच्चे के लिए किए गए सेक्रीफाइस को फिल्म में दिखाया जाएगा, वरना फिल्मों में केवल माँ की ममता ही दिखाई जाती थी। इस बार बाप की बापता भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए 20 मार्च का, जब ये फिल्म आपको एजुकेशन सिस्टम और बाप बेटी के प्यार का एक और पहलू दिखाएगी। हैव ए नाइस डे।